देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाए जाने के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में एक बार फिर पुलिस ने 10 से ज्यादा महिला और बच्चों का रेस्क्यू किया और उन्हें राजस्थान भेजा है। एडिशनल DCP रामस्नेही मिश्रा ने कहा कि भिक्षावृत्ति उन्मूलन केंद्र से सूचना मिली थी कि कुछ लोग राजस्थान से आकर सरवटी बस स्टैंड स्थित लॉज में रहते हैं और दिन में शहर के प्रमुख स्थल 56 दुकान, राजवाड़ा सहित अन्य क्षेत्रों में भिक्षावृत्ति कर रहे थे। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला और बच्चों का रेस्क्यू कर उन्हें अपने घर राजस्थान भेजा है। बेसिकली 56 दुकान के आसपास कुछ महिला और बच्चे भीख मांग रहे थे, तो उनसे जब पूछताछ की गई तो पता लगा कि सरवटी बस स्टैंड के आसपास के कुछ लॉज वगैरह में रुके हुए हैं, उनके बहुत सारे साथीदारान भी। तो जो कलेक्टर साहब के नेतृत्व में भिक्षावृत्ति निरोधी जो कमेटी है वो इस पर से कार्रवाई करती है। उस पर से मिस्टर BD साहू और दिनेश मिश्रा जो CPO CDPO है, इनके नेतृत्व में टीम आई थी, जिसमें पुलिस के साथ मिल करके लगभग 11-12 बच्चे हैं, 11-12 महिलाएं हैं, जिनको वापस राजस्थान और दिल्ली रवाना किया गया है, जो भिक्षावृत्ति में संलिप्त थे। ये लगभग इनके कुछ साथीदारान दिल्ली में रहते हैं, लंबे समय से राजस्थान से निकले हुए हैं। इनका कहना यही है कि वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है और ऐसी स्थितियों में भी ऐसे ठंडे प्रदेशों की तरफ मुख कर जाते हैं, और इसी उस पर से वो लगभग 10-12 परिवार जो भाट परिवार है वो अपने बच्चों के साथ में यहाँ आए हुए थे। इनके जो पुरुष वर्ग है वो कहीं ना कहीं बड़े शहरों में मेहनत मजदूरी करता है, और ये लोग मैजिक बुक, गमले, कुछ किताबें, ऐसे कुछ व्यवसाय भी करते हैं, भिक्षा भी मांगते हैं। अब वो अपना जीवन यापन के हिसाब से कुछ 200 रुपए, 500 रुपए ऐसे कुछ कमा लेते हैं जो उनके द्वारा बताया गया है। बाकी चूंकि भिक्षावृत्ति एक अभिशाप ही है, तो उसको दूर करने के लिए उनकी जो कमेटी है उनके द्वारा उनको वापस उनके वतन को वापस कराया गया है। वो श्री महाकाल श्री राम लॉज है, छोटा सा ही किराया है, किसी का 100 रुपए, किसी का 150 रुपए है एक दिन का, ऐसे ही लॉज का उनके द्वारा चयन किया गया था। और अब उनको भी हिदायत दी गई है कि ऐसे किसी भी लोगों को नहीं रखा जाए। वो पता रसीम में है, वो जो उनके द्वारा पंचनामा बनाया गया है जो टीम थी, और बाकी हमसे जैसे ही कार्रवाई शेयर करेंगे तो उस चीज की तस्दीक की जाएगी।